इधर में राजा सोच कर रहे थे, विचार कर रहे थे, रो रहे थे, आंखों से आंसू निकल रहे थे। वशिष्ठ ने आकर के कहा, बात क्या है राजन? बोले, प्रभु चौथा पंत तो आ चुका है, संतान नहीं है, क्या मेरा जीवन ऐसे ही आगे ये रघुकुल की मर्यादा टूट जाएगी, रघुवंश डूब जाएगा क्या? बोले, चिंता मत करो। कहा हूं वशिष्ठ आए तो पधारी, चिंता मत करे राजा, सुत होंगे चारी, चार पुत्र होंगे, चिंता मत करे। कवि की कविताई चौपाई अलग, कविताई अलग। चिंता मत करे राजा, चार पुत्र होंगे, लेकिन इसके लिए आपको कुछ न कुछ तो वही करना पड़ेगा। कुछ पाने के लिए कुछ खोने की तो जरूरत होती है। अब यही थोड़ी है कि आप पाते ही रहो ओ कुछ देव मत का हुए तो तुम, ये तो सब गड़बड़ है भाई। भाई एक हाथ दो और एक हाथ लो। बोले, क्या करना है भगवान? बोले, पुत्र अष्टकम यज्ञ कर। राजा ने आदेश दे दिया, पुत्र अष्टकम यज्ञ हो रहा है, अखंड मंत्र चल रहे हैं, वेदों की ध्वनि हो रही है, धुआंधार घी और आहुति, हाँ जलाए जा बेटा घी और धूपबत्ती। राजा के यहाँ बड़ी वेद वेदांत से हवन किया जा रहे हैं। अश्विनी कुमार ने बड़ा सुंदर अनुष्ठान किया। जो राजा दशरथ ने यज्ञ की अंतिम आहुति दी तो बताते हैं अग्निदेव स्वयं एक चरु लेकर के प्रकट हो गए। बोलिए राघवेंद्र सरकार की प्रसाद। वैसे खीर बताया जाता है, वैसे कुछ हम तो भागवत के आधार पर चलेंगे। वैसे रामायण में आता है कि खीर का कटोरा था, लेकिन भाई हम तो माफ करना, भागवत जी की कथा कह रहे हैं तो भागवत के आधार पर चलना, हमें तो बात एक ही आती है सब। वशिष्ठ मुनि के हाथ में प्रसाद दिया, चलो महाराज जाओ, राजा की तीनों रानियों को बराबर भाग में खिला देना, एक एक पुत्र की प्राप्ति हो जाएगी। वशिष्ठ ने दशरथ को दिया, जा रानियों को खिला दे, पागल मरा जा रहा था, पुत्र नहीं है, पुत्र नहीं, जा। राजा ने एक प्रसाद के तीन भाग किए, थोड़ा ध्यान से सुनना, बड़ा सुंदर चरित्र मेरे राघवेंद्र भगवान का। तीन भाग किए राजा ने, कौशल्या के कई सुमंत्रा तीनों रानियों को बराबर भाग दे दिया, लेकिन बराबर नहीं, रामायण कहती है अर्ध भाग कौशल्या ही दीना, आधा आधा भाग बड़ी रानी कौशल्या, क्योंकि राजा को बड़ी प्रिय थी कौशल्या, बड़ी चरित्रवान थी, सुंदर भी थी, तो आधा प्रसाद अकेली कौशल्या को, आधे में वो दोनों कैकेयी और सुमित्रा, ऐसा कहते हैं। लेकिन भागवत जी के आधार पर तीन भाग किए राजा ने, चरु तीनों रानियों को बराबर भाग में दे दिया। अच्छा, छोटी रानी थी जिसका नाम था सुमित्रा, अपने हाथ पर रख करके वो पगली उस प्रसाद को ऐसे देख रही थी। अरे बाबरी, हाथ पर काहे को देख रही, खाई देती लूट खत्म। हाँ लाला तो है ही जानता हो, लेकिन स्त्रियों को विश्वास कुछ कम होता है कि प्रसाद है जाते का बालक है रहेगा, ऐसा भाव आ गया होगा। मैं तो नहीं कह, संत कुछ भाव बनाते हैं अपना। रानी ने कुछ सोचा होगा, देखा होगा कि इसके खाने से क्या, ये कैसा है, रंग क्या है, ऐसा कुछ सोच रही होगी। तो न जाने वो होनहार की बात थी, समय का प्रकोप, एक चील उड़ती हुई आई और रानी सुमित्रा के हाथ से उस चरु को लेकर के उड़ गई, भाग गई। अब तो सुमित्रा मैया की आंखों से आंसू बहने लगे, हाय मैया, मैं तो निपुतिन की निपुतनी रही। रोने लगी, बैठ की फूट फूट की, जैसे बिल्कुल बाबली ना रो में, बड़ी जोर जोर से हूं करा दे के हिचकी ले लगे। अरे नैया, मुश्किल से तो समय आओ यू निकलेगो। कौशल्या और केकई ने कहा, अभी तो ये अच्छी थी, क्या हुआ, दौड़ करके आई, आंगन में रो रही है, क्या बात है? बोली, मेरे तो प्रसाद अच्छी, बोले चिंता मत करे। कहीं मरिए भाई, इतनी सी बात पर रो रही बाबरी, कहाँ? अब उस चील का क्या हुआ उसको बता देते हैं। पहले वो चील कहाँ जाकर के पहुंची, जहाँ पर मैया अंजनी भगवान शंकर का कंदरा में बैठकर के भजन कर रही थी, जिस वृक्ष के नीचे
उस वृक्ष की डाली पर जाकर के चील बैठ गई। उसका बोलने का कुछ मन हुआ तो मुंह को जैसे खोला वो चरु निकल कर अंजनी की गोद में गिर गया। अंजनी ने उसको शिव प्रसाद समझ के खा लिया, जिससे हनुमंत लाल का जन्म हुआ। बोले बजरंग बली महाराज की। इधर में कौशल्या ने और केकई ने कहा तू चिंता मत कर बहन, देखो प्यार हो तो देवरानी जेठानी में ऐसा है, लेकिन आजकल की देवरानी जेठानी ऐसी है, मेरे लाला है गो तो या नगटी के तो हो ही ना, मेरी तो पढ़ाई करेंगे, सास ससुरों मेरी सेवा होगी खूब बढ़िया। आजकल की देवरानी जेठानी में बड़ी होड़ है जा, लेकिन उन तीनों रानियों में इतना प्रेम है, एक दूसरी को बड़ी मानती है, कोई किसी को छोटी नहीं समझती है। तीनों दासी बनकर के अपने महलों में काम करती हैं, वो उसकी सेवा करती हैं, वो उसकी सेवा, आपस में बड़ा प्रेम है। लेकिन आजकल की देवरानी जेठानी अगर एक खाना बना रही होगी ना तो पानी दूसरी पे ही मंगावे, पानी लिया चूल्हे पे बैठ के रोटी बना रही है, लकड़ी खत्म है कि ना, लकड़ी लेके आई हो रही। अगर देवरानी न होती तो तू लकड़ी लेके पहले ही बैठ सके, या बात तो तू जान नहीं है बिना लकड़ी लेके का रोटी है रही है। लेकिन हो रहे हाँ, बड़े बाप की बेटी है, बेड पे ही चाय पीवेगी, अब का बाहर निकल के आवेगी, बड़ी होड़ है। लेकिन ऐसा होना नहीं चाहिए, प्रेम देखो तीनों रानियों में जीवन मरण का संयम था। थोड़ा भाग काटकर कौशल्या ने दिया, थोड़ा भाग काटकर केकई ने दिया, दो भागे हो गए सुमित्रा के पास। बोले चिंता मत कर अचान, ऐसे होने एक एक किलो के बाल कम है जाएंगे, इतना ही तो फर्क पड़ेगा। हाँ भाई प्रसाद ने अगर थोड़ो खावे को बोले उतना हल्के हल्के है जाएंगे, जब ज्यादा प्रसाद खाने को बोले उतना मोटे मोटे है जाते, इतना ही फर्क पड़ेगा बस, या तो ज्यादा ना तो कोई बात नहीं। इधर में दो भागों में सुमित्रा ने प्रसाद पाया तो कहने सोचने लगी, देखो बहन तुमने मुझे दोनों ने प्रसाद दिया है और मैंने दो बार में ये प्रसाद को खाया है, अगर परमात्मा की कृपा से मेरे दो बच्चे हुए तो मैं आज ही संकल्प ले, अभी गर्भ होना है कुछ भी नहीं है, अभी प्रसाद हाथ पे ही रखो है, खाया भी नहीं है और संकल्प पहले ही ले रही है, कौन जानता बच्चा होगा या नहीं होगा। लेकिन देखो इसे कहते हैं महात्मा बुद्धि, संत थी वो रानी, संत बहुत बड़ी तीव्र बुद्धि थी। रानी सुमित्रा ने कहा अगर मेरे दो पुत्र हुए तो एक पुत्र को कौशल्या के पुत्र की सेवा में और दूसरे को केकई के पुत्र की सेवा में रखूंगी, ये मेरा संकल्प है, ये मेरा वादा है मेरे भगवत प्रेमी हो। इसी कारण बस इसी एहसान के बदले से अवतार लक्ष्मण राम की सेवा में और शत्रुघ्न भरत की सेवा में हमेशा रहे। बोलिए गोविंद भगवान की। तीनों रानियों ने अपना प्रसाद ग्रहण कर लिया, धीरे धीरे आ रहा है चैत्र मास, चैत्र का महीना है। देखो रामायण सतकोट अपारा, ये तो आप सब जानते हैं, और रामायण की कथा को सुनते सुनते कभी मन भरता भी नहीं है, इतनी सुंदर कथा है राम कथा, इतना विचित्र वैशिष्ट्य, जिसके ज्ञान रूपी सरोवर में एक बार डुबकी लगाने के बाद निकलने को जी ही नहीं करता है, इतनी सुंदर है रामायण कथा। लेकिन मेरे भगवत प्रेमियों, माता जानकी की शादी करनी है, आज चैत का महीना है, तिथि क्या है नवमी, जो रामनवमी मनाते हैं ना हर साल, तुम सब मैया बड़े श्रद्धा से खीर पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी मेवा मिष्ठान बड़े बड़े अच्छे हलवा वगैरह बनाती है ना, आज रामनवमी है, रामनवमी को कन्या लांगुर नौते आओ ये करो वो, बड़ी श्रद्धा से मनाती है, दिन के 12 बजे, और दिन कौन सा था मंगलवार, नक्षत्र अभिजित शुक्ल पक्ष, दिन के ठीक 12 बजे कौशल्या मैया के अंगना में परमात्मा श्रीमन नारायण चतुर्भुज रूप रखकर के प्रकट हो गए। बोलिए सच्चिदानंद भगवान की। चार हाथ ही, चारों हाथों में शंख गदा पुष्प चक्र लिए हुए, बड़ा सुंदर रूप है मेरे प्रभु का, सुंदर ग्रीवा है, बड़े बड़े नयन है, लाल सुरख संतरा जैसी खाप ओठ है, और जो मुस्कुराते हैं ना
तो देवता भी लालायित हो जाते, बड़ा श्याम शरीर है, लंबी भुजाएं हैं, चौड़ा दिव्य वक्ष स्थल है, घुंघराले केश हैं, श्याम वर्ण की कांति है, पीतांबर डाले हुए, जिनके चरणों का एक बार नमन करने पर ही सब ग्रह शांत हो जाते हैं। ऐसा सुंदर सुनो मनोहर रूप जो छवि को देखा कौशल्या के सामने प्रकट होकर बोले, माँ कौशल्या चौक पड़ी, ये कौन आ गयो माँ वालो, मेरे तो कछु ना आया भाई। पीर भाई न कछु बहुत दद लाला है, ऐसा हो जाता है कभी कभी। हमने सुना है भाई, देखो हम अपनी कानों की सुनी बात कह रहे हैं, एक वृद्ध माता है, खैर अब तो कुछ नहीं, वो बहुत बड़ी बूढ़ी है, उन्होंने एक दिन हम तो ऐसी बातचीत चल रही तो हम तो बोले लाला हमारे कई बालक है, और एक बालक तो ऐसे भवा में सलाई ना पड़ी, कब है वो बोलिए गोविंद भगवान। पीर भाई ना दत्त भाई लाला है वो कौशल्या बोली, मेरे तो भी कछु ना है। लेकिन सुनो कुछ लोग कहते हैं कि भगवान गर्भ में नहीं आते, अगर भाई गर्भ में नहीं आते तो रामायण में चौपाई लिख रही है। मैं बहस तो करता नहीं हूँ किसी से, मैं किसी से बहस नहीं करने लायक नहीं हूँ, क्योंकि मैंने शास्त्री नहीं पढ़ा जो मैं शास्त्रार्थ किसी से करूंगा। मैं तो तुम जैसे महापुरुषों से सुनता हूँ, संतों से सुनता हूँ, और बस ऐसे सुनाता डोलता हूँ। रामायण में लिखा है कि जिस दिन से राम कौशल्या के गर्भ में आए उस दिन से नित्य नव मंगल। हाँ तो मैं तो इस बात के ऊपर कह रहा हूं, तो हो सकता है शायद प्रभु आगे हो गर्भ में। राम जी ने कहा, माँ कौशल्या बोली कौन सा बेटा है वो, भैया तू कहां से आयो, बोले मैं तुम्हारो लाला। लाला? हाँ बेटा मेरो लाला, मैंने तो देखो हमारे तो भाई भय ही ना है बालक, हम कहा जाने कैसे हो, पर हमने सुनी है कि जब बालक होते हुए ना तो वक्त चार ना दो हाथ आते हैं, तो तू तो बेटा चार हाथ, तो दो हाथ मेरे प्रभु ने, बोले माँ, बोले बेटा अभी तू बेटा बनने के योग्य ना, क्यों बेटा हुआ एक बलियांद को ज्यादा ज्यादा खींच करके, हैं भैया के पेट में एक ही बलियांद की चीज तो आ सके, कि चार हाथ की अच्छे हाथ की आवेगी। बेटा छोटो सो बालक हुआ पेट थे, और तू तो कम से कम 15.5 हाथ लंबो। बोले मैया कोई बात ना है, एकदम से तुरंत मेरे राम जी छोटे बन गए, गोदी में गिर गए, और फिर छोटे से बन के लाला, और फिर कहने लगे माँ प्रभु है, अंतर्यामी है, सब कुछ उनके लिए सामर्थ है भाई। बोली बेटा ये कोई बेटा बनकर आने का तरीका हमारी पसंद नहीं आया, जो तुम बेटा बन के आयो कि बाबा बन के आयो। अरे बालक जन्म लिए कपड़ा पहन के लिए का है, बताओ आज तक किसी माँ ने बच्चे को जन्म दिया कपड़े पहन के, किसी बच्चे ने जन्म लिया है ना? राम जी ने कहा ठीक है मैया शर्म लगती है, अरे शर्म काहे की, मेरा लाला ना है तू। राम जी निर्वस्त्र हो गए, फिर बात करने लगे, अब तो मैया कहता है मोते बेटा, बोले अब ही ना कूंगी, क्यों कम से कम बालक एक साल को दो साल को या तीन साल को हुआ जब मम्मी पापा चाचा ताऊ कहनो सीखे, और तू तो बावन जैसी बात कर रहा है, हैं? बोले फिर क्या करूं? बोले बेटा बालक जब जन्म लिए है ना तो वो न तो बात करे न हंसे, कैसे करे, भूखो। हाँ तो बड़ा सुंदर वर्णन आता है यहाँ पर, मैया कौशल्या के राम हो गए, केकई के भरत हो गए, सुमित्रा के तो पुत्र लक्ष्मण और शत्रुघ्न। अब ये बताएं आपको ये अवतार हैं कौन कौन के, राम और भरत एक ही चीज है, थोड़ा ध्यान से सुनना, इसमें भेद नहीं है, जो राम है वही भरत है, जो भरत है वही राम है। अब तो बड़े बड़े विद्वान हैं, सब जानते हैं, अब हमारे संत भगवान बैठे हुए इनके पास तो अथाह सागर है ज्ञान का। जो राम है वही भरत है, जो भरत है वही राम है, ये अलग नहीं है, नारायण के ही अवतार हैं दोनों, विष्णु नारायण के शेष अवतार हैं लक्ष्मण, और ये जो शत्रुघ्न है ना ये ब्रह्मा जी के अवतार बताए जाते हैं। अच्छा अब जब लाला होता है, राजा के यहाँ कोई संतान नहीं थी तो अब संतान रह गई, जब संतान भैया तो खुशी
तो खुशी तो होगी, और जब खुशी होगी तो भिखारी भी आएंगे, विप भी आएंगे, और वो भी आएंगे। आते ही महाराज नहीं आते हैं। आजकल तो लड़का किसी के हो जाए और उनको पता चल जाए ना, हाँ लाला भाई ओ इतने ते कमलाए लूंगी। अब तो कौशल्या मैया की बधाई लेके गांव वाली सब स्त्री प्रजा को बड़ी खुशी है। इतनी खुशी राजा दशरथ और रानियों को नहीं है जितनी खुशी उनकी प्रजा को है। भाई अब हमारे राजा का नाम चले गया। अरे लेती न देती, आज सभी पड़ोसन आई हैं, दूसरे गांव से भी आई हैं। महाराज हाथ जोड़ के विनती, आप खड़े तो है जाओ कम से कम, भाई बधाई दे दी हमारे ने संगीत में, हमें दही चाहे मत दही, हमें कोई मतलब तुमसे जबरदस्ती नहीं है, लेकिन भाई देखो ये तो खुशी का अवसर है, बधाई देनी चाहिए हैं। और जिन मैया को राम लाला के जन्म की खुशी में नाचना है, जो माता बहन नाचना चाहे वो नाच भी सकती, क्योंकि बधाई बज रही है चाप लेके हमें कहा, तो बधाई गाँव में और नाचे हैं, नाचते हैं ना चाप में। अब तो एक दूसरे के माऊ देख रही, हम तो कोई देख ही नहीं रही है। अच्छा एक बात बताओ, जब चावल लेके जाए ना, भात लेके जाए या छोछक लेके जाए या चावल लेके जाए, तो आजकल ऐसी वो परंपरा चल रही है कि वो डीजे लगा देते हैं, वो सब झंझट खत्म, और वहां जाके महाराज चोट आंच ठुकता है, शरीर तोड़ देती है बिल्कुल। लेकिन यह भागवत कथा भगवान की, हमें शर्म लग रही है कि हम कैसे नाचे। अरे बाबलिया तुम्हारो कल्याण है, जागो 84 लाख योनि में नाचनो ना पड़ेगो। अरे लेती न देती, यशोदा मैं कौशल्या मैया को उल्हाना दे रही है स्त्रियां, तेने तो हमें पतो ना पड़ी, कब बालक है गो। कौशल्या बोली दैया मोहिये चलना पड़ी, कब भयो ने तुम्हें कहा बताती। अरे लेती न देती, बुलाए लेती कछु लेती न देती मैया, बुलाए लेती मैया लेती न देती। अरे लेती न देती कछु लेती न देती, बुलाए लेती मैया लेती न देती, बुलाए लेती कछु लेती न देती। हरि बोल। तो ऐसी लगे तुम्हें कभी दुख है गोदी से, कौशल्या मैया के यहाँ लाला राम है गो, तुम्हें आवाज को दुख लगे, वो तो कभी कभी ऐसी जा रहा है। अगर खुशी है तो खड़ी हो जाओ। अरे थोड़ी देर की बात है, कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती न देती बुलाए लेती, कछु लेती न देती। हरि बोल। बदले
जाके बदले वो कस ले लेती रखती लेती बुलाए लेती बुलाती लेती बुलाए लेती बुलाती लेती बुलाए लेती बुलाती लेती हरि बोल जो नृत्य करनी वो तो कर ही रही है और जिन पे ना आवे वो खाली हाथ में उठा के नया दिन नोन मटक दो जब राम लला तुम्हारे ऊपर खुश हो जाएंगे नाचो बिल्कुल मत मना करो तुम तो नाचो ही खाली ले के हाथ में नो तो उठाई दियो नाचो ना आप तो करी दियो कछु ले दिन देरी बुलाए ले दी कछु ले दिन देरी बुलाए ले दी कछु ले दिन देरी देती मैया हरवा भी देती टीका भी देती मैया हरवा भी देती टीका भी देती मैया हरवा भी देती टीका भी देती मैया हरवा भी देती बदले में चाहिए बदले में चाहिए कछु ले लेती अकेली न लेती कछु लेती न लेती बुलाए मत की कछु लेती न लेती दे करके राजा ने नाम संस्करण कराए यज्ञ उपवीत कराए। वैसे तो बड़ा सुंदर सौंदर्य यहाँ तुलसी बाबा ने दर्शाया है। इनके जन्म की कथा बड़ी सुंदर है लेकिन महाराज भाई 5 मिनट इनका भी हमने मनोरंजन करा दिया तो आज जानकी माता का विवाह भी करना है इसलिए कुछ सयाने हुए हैं। विश्वामित्र इनको अपनी यज्ञ रक्षा के लिए ले जा धारण किया है। विश्वामित्र जी को विद्या के लिए गुरु बना लिया। राम लक्ष्मण को धनुर विद्या सिखाई है बड़े बड़े ज्ञान दिए हैं। आज इधर वैदेही विदेह जिनको कहते राजा जनक जो द्वादश भागवतों में जिनका नाम आता है जो साधारण इंसान नहीं है जो श्री सुखदेव स्वामी के गुरु हैं राजा जनक उनके कोई संतान नहीं थी। विप्रों को बुलाया ब्राह्मणों को बुलाया महाराज कोई संतान बोले राजन राजा रानी दोनों मिलकर के हल चलाओ। राजा बन के घूमते हो कुछ कर्म करते नहीं हो। मैया शनैना को लेकर के मिथिला नरेश जनक दोनों ने मिलकर हल चलाया हल। जब राजा बैठे ही जनक ने हल चलाया
शांति विदेह को मिलती है, मैंने कल भी बताया था, शांति विदेह को मिलती है, राजा जनक विदेह है, शांति स्वरूप है माता जानकी। सब ऋषियों का कोई कुछ बताता है, कोई कुछ, लेकिन हम तो सिर्फ एक ही बात कहेंगे, लक्ष्मी स्वरूपी माता जानकी एक घड़े में बंद हल चलाते चलाते निकल आई। बोलिए जानकी मैया की, बड़ी सुंदर है वो बिटिया, बड़ा सुंदर रूप है माता जानकी का। सुंदर रूप विशेषु और बड़ी को परमेश्वरता की उपमा, बड़ा सुंदर रूप है मेरी माता जानकी का, जिसके रूप का वर्णन नहीं किया जा सकता, इतना सुंदर रूप है। सुंदर रूप विशेष परी को परमेश्वरता की उपमा, और दिन रात ननिर बढ़ने लागी जो बढ़े जो जगो होता चलाता, इस तरह से ये लड़की बढ़ती चली आ रही है। सुंदर रूप विशेष परी को बरन सकत जाकी उपमा, दिन रात ललिर बढ़ने लागी जो अपनी सभी शक्तियों को साथ में लेकर माता भवानी की पूजा करने अपने बाबा की बगिया में आई। राजा जनक की बगिया में एक सुंदर माता रानी का मंत्र बना हुआ था। और संग सहेली लेकर के बगिया में पूजा को आई, बोलिए गोविंद भगवान की। भगवान श्री राम लक्ष्मण दोनों विश्वामित्र के पास में रह रहे थे आश्रम में। राजा जनक ने अपनी सुपुत्री जानकी को जब देखा कि शादी के योग्य होगी, बड़ी सुंदर कन्या है और एक दधीच की बिना की हड्डी का बना हुआ धनुष था, शिव धनुष, उसको सीता माता ने झाड़ू लगाते समय उठाकर एक हाथ से दूसरे कोने में रख दिया। राजा ने उसी वक्त प्रण कर लिया कि जिस देश में जो भी राजा या राजकुमार इस धनुष को तोड़ेगा, मेरी पुत्री जानकी के साथ में रिश्ता। बड़े बड़े पत्रों को भेज दिया, बड़ी बड़ी दूर से राजा महाराजा राजकुमार राजा जनक मिथिल नरेश के यहाँ पर दरबार में आकर के बैठ गए। छीना तान के बड़ी बड़ी मोच तान के काजल लगा के मुकुट लगा के सच सच के सीता के संग ब्याह करेंगे। हाँ, बड़े सच सच के आए, बड़े बड़े सुंदर रथों पर, पेट में लड़ुआ फूट रहे, जानकी के संग ब्याह होगा, राजकुमारी हमें मिलेगी। इधर राम जी लेकिन अयोध्या के लिए निमंत्रण नहीं गया था, वैसे दुनिया में सबके लिए भेजा था जनक ने, लेकिन अयोध्या को निमंत्रण नहीं गया था, कुछ हुआ अछूत की बात थी। एक मिनट में ये भी समझा देते क्यों नहीं दिया था निमंत्रण अयोध्या के लिए राजा जनक ने। एक बार राजा के यहाँ सूखा पड़ गई, विप्रो ने कहा कोई पतिव्रता कुआ से कच्चे धागे से खींचकर घड़ा को जल भर देगी, वो तेरा बाग हरा भरा हो जाएगा, बारिश से हो जाएगी, तेरा कोढ़ ठीक हो जाएगा। तो रानियों से तो कुछ हुआ नहीं, बड़ी बड़ी दूर से रानी आई, पतिव्रता आई, सब पीछे हट गई। अयोध्या की एक महतरानी ने कच्चे धागे में घड़ा बांध करके कुआ से जल निकाल दिया था, राजा का कोर ठीक, बाग भी ठीक। और राजा जनक ने ये सोचा कि कहूं ऐसे रोको अयोध्या को महतरा के धनुष तोड़ दे, हमें बनी बेटी है, इसलिए उसको निमंत्रण नहीं दिया। तो कोई बात नहीं, अब संतों को तो निमंत्रण की भी जरूरत नहीं है, बिना निमंत्रण के जाने। और इधर राम लक्ष्मण तो सन्यासी हैं, शिष्य हैं विश्वामित्र जी के। अब राम जी और लक्ष्मण जी को साथ में लेकर के विश्वामित्र बोले, लाला। हाँ गुरु जी। चलो बेटा आज तुम्हें खेल दिखा लाऊं। हमें खेल,
हाँ बेटा चलो, बोले गुरु जी कैसो बेटा चलो तो सही बड़ो खेल। और देखो एक बड़ी बटुआ से महुकी ला ली है, बाकी संग ब्याह करोगे तुम? हाँ बड़ी सुंदर है। राम जी मुस्कुरा के बोले गुरु जी तुम्हारी कृपा है, जय जय तो हमारे तो घर के अभी हमें ब्याह करोगे वो नाम ना ले तो हाँ जल्दी करवा दे तुम्हारी बड़ी मेहरबानी। तो ये तो बात एक अलग की है, कोई बात नहीं गुरु जी के साथ में जाने दोनों भैया। अब धीरे धीरे रघुवर आगे तुम धीरे धीरे रघुवर आगे करो चली गए जी। जिनके मन में हम जिनके मन में खुशी है अपार, धीरे धीरे रघुवर आगे तो चल गए। आपकी सभा में भगवान श्री राघवेंद्र पधार चुके हैं, बोलिए राघवेंद्र सरकार की। धीरे धीरे रघुवर आगे तो चल गए, धीरे धीरे रघुवर आगे तो बढ़ गए। भगवान श्री राम लक्ष्मण को साथ में लिए गुरु के साथ जा रहे थे, रास्ता में देखा एक बहुत बड़ी पत्थर की शिला, एक पत्थर की शिला बनी पड़ी रास्ता के सहारे। राम जी ने कहा गुरु जी ये जो स्त्री का स्वरूप ये कौन? बोले बेटा ये गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या सतयुग से पड़ी हुई है। बोले गुरु जी काहे की पड़ी है? बोले तुम्हारे चरणों की रज पाने के लिए। कुछ लोग कहते राम ने ठोकर मारी थी अहिल्या के, लेकिन ऐसा पाप कहना पाप है। क्यों? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम किसी को ठोकर लगा ही नहीं सकते हैं। चरण रज चरणों की रज के लिए पड़ी है। मेरे गोविंद ने मेरे श्री राम ने अपने चरण को धीरे से ऊपर उठाया और वायु को संकेत किया जरा जोर से चल जाओ। हवा उसा न किया पैर उठायो हर ने अपनो उठाया। पैर के नीचे से उड़ करके रज माने मिट्टी का कण मैया अहिल्या की पुतला में जाकर के लगा और जैसी थी वो वैसी बन गई। बोलिए गोविंद भगवान की। पैर उठायो हमने अपनो ऊपरो जो पैर के नीचे से निकल करके मिट्टी कण रज अहिल्या के शरीर से स्पर्श हुआ और रज के लगते ही चमत्कार हो गया। भक्तों ये जीव तो बनी गई सुंदर नारी धीरे धीरे बोली राघवेंद्र सरकार। तो जी मोह पति के रूप में मेरा दुल्हा बन जा कलयुग स्वयंवर में धन सजी तोड़ दे। और जो राम जी ने सीता को देखा अपने मन ही मन में सोचन लगे हाय जन कैसो धनुष होगो हम पर टूटे होगो जन ने टूटे हो कि तो हमला के बड़ी मलूकानी है। अब दूसरा दिन हुआ राजा जनक के यहाँ पर बड़ा लंबा दरबार लगा हुआ है, बहुत बड़ी भीड़ है। देश विदेश के राजा महाराजा रथी महारथी बलवान आए हुए हैं, बड़े बड़े ऊंचे मंचों पर सरदार बैठे हैं। राजा जनक सबसे ऊंचे आसन पर बैठे हैं, बराबर में विश्वामित्र का मंच लगा दिया गया, राम लक्ष्मण उनके बराबर में बैठा दिए गए और सामने धनुष रख दिया गया। हाथ में वरमाला लिए
सुंदरी माता जानकी खड़ी हैं सखियों के बीच में सुबह से। और एक बात और बता दें आप लोगों को, माता जानकी ने अपने चरणों को, कोमल चरणों को जमीन पर कभी नहीं रखा था जब तक वैदेही राजा जनक के यहाँ वो रही। फूलों पर चलने वाली थी माता जानकी, जिनका बड़ा कोमल शरीर था, बहुत कोमल शरीर मेरी माता जानकी का। हाथ में फूल माला लिए खड़ी हैं। राजा जनक ने घोषणा लगाई, ए सभा के लोगों, आपको मैंने देश विदेश से बुलाया, क्यों? आप सभी जानते हैं कि आज मेरी बेटी का सीता स्वयंवर है। अब स्वयंवर जानते हो किसे कहते हैं? स्वयंवर, स्वयंवर लड़की स्वयंवर को बढ़ती है उसी को कहते हैं स्वयंवर। जो कन्या स्वयंवर को बढ़े वो है स्वयंवर। अब मेरी बेटी जानकी का स्वयंवर है, और मेरी शर्त यह है कि जो वीर इस धनुष को तोड़ेगा वो मेरी बेटी जानकी के साथ में रिश्ता। इतना कह के बैठ गए और भैया करो काम, अब जाओ। अब देखो महाराज, अब बड़े बड़े योद्धा, 6-6 मीटर चौड़ी छाती, बाहु विशाला पर्वत के समान शरीर योद्धा तड़ंग में उठते हैं, बड़े क्रोध में, अहंकार में। ये छोटा सा धनुष इसको तोड़ने में क्या है? जाते हैं और अहंकार में ऐसे हाथ मार के उठाना चाहते हैं, उसको उठाना तो बहुत बड़ी बात, हिला भी नहीं पाते हैं। बताते हैं उसमें कुछ और भी रहस्य था, लेकिन वर्णन कहाँ से करें।